हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। तो दोस्तों, फाइनली एएलपी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है एक और डिवीज़न से एएलपी की 50% प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी का एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम डेट भी जो है जारी हो चुकी है इसकी। तो इस डिवीज़न में अगर बात करें तो काफ़ी जो है कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी कम कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था और वैकेंसी की भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर मात्र लगभग 3 गुना ही बच्चे को मतलब कि कॉम्पिटिशन है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन से डिवीज़न से अब जो है एएलपी की 50% की एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हुई है। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड जीडीसी और एलडीसी की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है इस डिवीज़न की। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ हमने ओपन कर ली है जो कि जारी हुई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब कि आपकी वेल्टेयर डिवीज़न, ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब कि आरआरबी भुवनेश्वर बोल सकते हैं या आरआरसी भुवनेश्वर, इसके अंतर्गत जो है डिवीज़न बटे हुए। तो जिसमें एक वाल्टेयर डिवीज़न है, तो वाल्टेयर डिवीज़न में भी आप सभी को पता कि एएलपी 50% की जो है वैकेंसी आई थी, उसकी भी मैंने वीडियो आपको बना करके बताई थी। ये 28/8/2024 की मतलब 4 दिन पहले की अपडेट है, लेकिन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको आपके लिए लेकर के आए। देखिए, सब्जेक्ट दे रखा सिलेक्शन फॉर द फिलिंग अप ऑफ द अनफिल्ड डायरेक्ट सॉरी डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 50%। तो यहाँ पर जीडीसी का मतलब कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मतलब के अंतर्गत अगर देखा जाए आरबी 32/2024 में जो दिया गया था कि जो कैंडिडेट्स जीडीसी के लिए एलिजिबल है उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाए और डिपार्टमेंटल कोटे के लिए एलिजिबल किया जाए। तो एएलपी 50% के लिए यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी जारी हुई थी वाल्टेयर डिवीज़न में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 142 पोस्ट है एएलपी की 50% में। तो 142 पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे तो आप सभी को अगर देखा जाए तो 492 कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल पाए गए हैं। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उसमें जो है एनेक्सर ए में एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट दी गई है और एनेक्सर बी में नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर वही दिया है कि टोटल 509 कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म अप्लाई किए थे एएलपी 50% के लिए, जिसमें से 492 एलिजिबल पाए गए और 17 कैंडिडेट जो है नॉट एलिजिबल पाए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो इनका आगे दे रखा है, देखिए, द रिटर्न टेस्ट एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन शेड्यूल टू बी कंडक्टेड एट ए शॉर्ट नोटिस, मतलब कि जल्द ही जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें जो है एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग जो है आपको बताया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब फुल डिटेल नोटिफिकेशन इसका डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपका जो है सितंबर में एग्ज़ाम होगी, सितंबर के साथ जो है इसकी फाइनली एग्ज़ाम डेट भी दी गई थी, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताने वाले भी थोड़ी देर में। अब दोस्तों, यहाँ पर एनेक्सर ए मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एएलपी सिलेक्शन 2024 एज पर जीडीसी नॉर्म्स 32/2024। तो देखिए, सीरियल नंबर दे रखा है कैंडिडेट का जो है, यहाँ पर नाम दे रखा है, पीएफ नंबर, उनका कम्युनिटी और डिजाइनेशन दे रखा है, इसके बाद डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कौन से स्टेशन पर वर्क कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है और रिमार्क्स, मतलब ये सारे जो है 492 कैंडिडेट्स की जो है एलिजिबल लिस्ट है एनेक्सर ए में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वाल्टेयर डिवीज़न में 509 कैंडिडेट्स में से 492 कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल पाए गए हैं एएलपी की पोस्ट के लिए, मतलब कि उसके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, उसी के बाद एनेक्सर बी मतलब कि इन एलिजिबल कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एएलपी सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिस्ट दे रखी है। देखिए, यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट है। तो इनका जो है रिमार्क्स भी दे रखा है कि क्यों इनका जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। देखिए, कैंडिडेट का नाम वगैरह, वो पीएफ नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। अगर कैंडिडेट के यहाँ पर देखें तो देखिए, नॉट एलिजिबल 1 ओवर एज्ड, मतलब कि ये जो है इनके 42-48 साल, जो भी 45 साल थी उसके ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग इनको नॉट एलिजिबल पाया गया है। फिर यहाँ पर एक कैंडिडेट नॉट एलिजिबल इसलिए पाया गया है क्योंकि यहाँ पर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इन कैंडिडेट्स के बाहर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए जो है इनको नॉट एलिजिबल पाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिप्लोमा इन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ECI में, तो ये लेटरल एंट्री वगैरह से है, इनका 1 ईयर का है, इसलिए यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड मतलब फुलफिल नहीं किया, इसलिए इनको नॉट एलिजिबल पाया गया, या जो भी है इनका जो है 1 साल का हुआ है। अगर आगे दे रखा तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का दे रखा कि नॉट टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इन कैंडिडेट्स के बाद जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं था, इसलिए जो है नॉट एलिजिबल पाए गए हैं। तो इस तरह से जो है सब कुछ जो है रिमार्क्स दे रखा है कि क्यों उनके फॉर्म को जो है कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, टोटल 17 कैंडिडेट्स है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब वाल्टेयर डिवीज़न से आपका जो है 12/7/2024 12 जुलाई को एक नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें आपकी जो है एएलपी के 142 टोटल पोस्ट आई थी 50% डिपार्टमेंटल कोटे की। आप सभी को पता है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। जब नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट डेट्स में सब कुछ दे रखा था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन,
तो देखिए नोटिफिकेशन 12/7 को आया था और ये सब कुछ लास्ट डेट वगैरह दे रखा था। इसके बाद डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन देखिए 7/9/2024 टेंटेटिव रखी गई थी, मतलब कि आने वाले 5 दिन बाद 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन जो है टेंटेटिव था वो संभावित थी, फिक्स नहीं थी। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है अब आपका 5 दिन बाद जो है शायद यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के द्वारा एलिजिबिलिटी लिस्ट में बोला गया वाल्टेड डिवीजन में कि आपको शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग। तो जल्द ही आपकी जो है एग्ज़ाम डेट जारी होगी, 7/9/2024 को एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि आप 5 दिन ही बचे हुए हैं। तो मे बी चांस है जब भी कोई जो है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपडेट या स्टेटस जो भी आता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डेट आती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा भी होगा जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वो अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों इस तरह से जो है PDF जो एलिजिबिलिटी लिस्ट की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एलिजिबिलिटी लिस्ट को और अपना नाम देख सकते हैं वाल्टेड डिवीजन वाले छात्र की उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी, ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय फ्रेंड।